इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 करोड़ आज वैक्सीनेशन। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आप देखिए, एक बड़ा लक्ष्य आज भारत ने हासिल किया है, कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। 2 करोड़ लोगों को आज टीका लगाया गया है। आज दिन भर में 2 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया गया और पूरी दुनिया के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड है। अभी तक ये आंकड़ा किसी ने नहीं छुआ था, 2 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई है कोरोना की। आपको बता दें कि भारत ने वैक्सीन के मामले में दुनिया के 18 देशों को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है आज सरकार ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी इसे मुहिम की तरह चलाया जा रहा था। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर जा रहे थे, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही थी और अभी देखिए ये आंकड़ा 2 करोड़ पर पहुंच गया है। वैक्सीनेशन टुडे आप देख रहे हैं, 2 करोड़ से बढ़कर 34,207 तक अभी आंकड़ा पहुंच गया, यानी करीब 35,000 लोगों को और 2 करोड़ के बाद टीका लगाया जा चुका है और लगातार ये आंकड़ा अपडेट होता हुआ, ये लाइव अपडेट आपके सामने इस वक्त एबीपी न्यूज पर। तो पीएम के जन्मदिन पर टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है, लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। एक बहुत ही बड़ा ये लक्ष्य था, आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी, लेकिन आज इस लक्ष्य को हासिल किया गया है और कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर्फ आज के दिन ही टीका लगाने में सफलता मिली है, सिर्फ एक दिन में। आप सोचिए ये कितना बड़ा लक्ष्य आज हासिल किया गया, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और आप देख पा रहे हैं हर सेकेंड अपडेट होता हुआ ये आंकड़ा, और 2 करोड़ से बढ़कर आप देखिए कहां पहुंच चुका है, 2 करोड़ 62,000 63,000 अब मैं बोल रहा हूं और उसी दौरान आप देखेंगे लगातार ये संख्या बढ़ती हुई, 66,000 67,000, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये टीका लग चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और बीजेपी के लोगों की तरफ से भी यह लक्ष्य रखा गया था कि एक तरह से ये पीएम को तोहफा दिया जाएगा उनके जन्मदिन के मौके पर, और आखिरकार ये जो लक्ष्य था इसे हासिल कर लिया गया है। सिर्फ आज की बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन टुडे करके जो आंकड़े इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, लगातार अपडेट होता हुआ और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और भारत अब दुनिया के कई देशों पर टीकाकरण के मामले में भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से हमारे यहां टीकाकरण की रफ्तार अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के लिहाज से। आप सोचिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज दिन भर में टीका लगाया जा चुका है और ये आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 1 लाख बस होने ही वाला है। आप देख रहे हैं 96,000 पहुंच चुका है, 2 करोड़ 96,000, और हर सेकेंड आप देखेंगे कि इसमें इजाफा होता हुआ और भारत ने टीकाकरण का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोविन ऐप पर हर सेकेंड ये आंकड़ा अपडेट होता हुआ जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर ये लाइव डेटा आप देख रहे हैं, और देखिए 2 करोड़ से बढ़कर अब ये कहां पहुंच गया, 2 करोड़ 1 लाख 7,743, हर सेकेंड ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और एक बहुत बड़ी कोरोना के खिलाफ ये जीत है। और जरूरत इस बात की है कि आज जिस तरीके का लक्ष्य सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया, अगर इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी ये टीकाकरण चलता रहा तो बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जीत भारत को मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में टीकाकरण का जो आंकड़ा है बहुत बढ़ा था, लेकिन आज तो आप देखिए बिल्कुल अद्भुत तरीके से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जो लक्ष्य रखा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से या बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसे हासिल कर लिया गया है। और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रफुल्ल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, एक लिहाज से बहुत अच्छा दिन कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर आप देखिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, कोरोना से लड़ाई की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल, कोरोना की लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि एक दिन में इतने टीके किसी भी दिन नहीं लगे। अब तक एक दिन में 1 करोड़ 33 लाख सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज लगी थी, जिसमें दोनों डोज शामिल थी, पहली और दूसरी, लेकिन ऐसा पहली बार है जब एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीन डोजेज, और अभी भी ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, 2 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है और हर कुछ सेकेंड में ये आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि कल तक 77 करोड़ 24 लाख डोजेज लगी थी और आज अगर ये आंकड़ा 2.5 करोड़ के करीब पहुँच सकता है, क्योंकि अभी भी आंकड़ा बढ़ रहा है,
तो ये 80 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। और मैं आपको बता दूं कि पहली जो डोज थे, मतलब जो जनवरी में जब ये शुरुआत हुई थी, तब पूरे उस महीने में ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ नहीं लगी थी। तब ये कहा जा रहा था कि रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, वैक्सीन डोजेज़ नहीं है। मई में भी बहुत कम डोजेज़ थी, 6 करोड़ डोज पूरे महीने लगाई गई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज सिर्फ एक ही दिन में 2 करोड़ डोजेज़ लगाई गई हैं। इससे पहले 3 दिन ऐसे थे जब 1-1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई थी, यानी 27 अगस्त, 31 अगस्त, और उसके बाद एक और दिन जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई थी। तो ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो औसत है, प्रतिदिन वैक्सीनेशन की जो औसत है, वो इस महीने 74 लाख से ज़्यादा रही है। यानी प्रतिदिन 74 लाख के आसपास वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी। आज जो ये आंकड़ा बढ़ा है, इससे ये औसत भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो लोगों के वैक्सीनेट होने की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, जिसमें खासतौर पर जिन्हें पहली डोज लगी है उनकी संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। और ये जो कवरेज एरिया जो बताया जा रहा है कि जो भारत की जो वयस्क आबादी है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका ये आंकड़ा बहुत जल्दी 80 करोड़ के 80 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी इसी तरह की रफ्तार रहेगी। बिल्कुल, यहाँ से हमें सीख मिलती है कि अगर इसी तरीके का प्रण हम आने वाले दिनों में भी लें तो बहुत जल्द भारत की पूरी आबादी 100% उसे वैक्सीनेट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए आपका। ABP News आपको रखे आगे।